आरपीटीवी न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही आरपीटीवी की न्यूज की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साइबर फ्रॉड के संबंध में कार्रवाई करने की शिकायत लेकर सेगवाल का निवासी पहुंचा बड़वानी एसपी कार्यालय। संबंधित विभाग के अधिकारी ने कहा कि की जाएगी वैधानिक कार्रवाई। बड़वानी जिले के सेगवाल ग्राम का निवासी अपनी साइबर फ्रॉड से जुड़ी शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभिषेक यादव, जो ग्राम सेगवाल तहसील ठीकरी के निवासी हैं तथा मैं आधार कार्ड बनाने व अपडेट करने का कार्य करते हैं, उनके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होने के कारण मुझे मेरे साथी ने बताया है कि एक आदमी है जो तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगा, करवाना हो तो बता देना, थोड़े रुपए लेकर समस्या का समाधान कर देगा। तब उसने कहा कि देखता हूँ और बाद में बोला कि गौरव सर, जो कि MPSEDCL डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनसे करवा लेते हैं और फिर उसके साथी द्वारा फ़ोन पर बात करने के दौरान एनी डेस्क आईडी उस अज्ञात व्यक्ति को दी गई और उनके आधार आईडी के फिंगरप्रिंट कैप्चर कराए, लेकिन बाद में पता चला कि वह कोई अन्य व्यक्ति था जिसको मेरा आधार कार्ड सॉफ्टवेयर ऑनलाइन एनी डेस्क पर दिया था। उनके साथ आधार कार्ड की आईडी में फ्रॉड किया गया है और इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक साइबर सेल बड़वानी को आवेदन दिया है। आवेदनकर्ता ने बताया है कि उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग मोबाइल में सुरक्षित रखी गई है। मैं आधार की आईडी चला रहा था तो गणेश धनगर जो है ये सब व्यक्तियों की आईडी लेता है, दूसरों की पैसे देकर उनके नकली फिंगरप्रिंट बनवा के चलवाता है। मेरी आईडी भी झूठ बोल के कि मैं अन्य अधिकारी को दे रहा हूँ एनी डेस्क पे बोल के ले ली थी धोखे के साथ, तो उसके बाद इसने उनको दे दी थी और उसने फिंगरप्रिंट और आईरिस वगैरह कैप्चर करके निकलवा लिया और आईडी को हैक करके अन्य राज्यों में चला दिया है। रोहिंग्या वगैरह इनके आतंकियों के भी फिंगर बनाना ये करना 20-25 दिन चला के इसने वापस बंद कर देता है, और उसमें कार्रवाई जिसकी आईडी रहती है उसके ऊपर आ जाती है, और कार्रवाई का नोटिस भोपाल से मेरे पास यहाँ DGM के पास आ गया था, जिसके बाद मेरी आईडी को बंद कर दिया गया। उसके बाद से अपन ने FIR के लिए शुरू से आवेदन दिया था साइबर पुलिस में भी, अभी जिसके बाद 9 महीने हो गए, मतलब साइबर सेल से यहाँ से ठीकरी थाने पे आवेदन चला गया, CDR कापी भी गई है, रिकॉर्डिंग इसके वीडियो दस्तावेज सारे मौजूद हैं, उसके बाद भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई है और ये कबूल भी कर चुका है उसमें। क्या चाहते हैं आप? इस पर कार्रवाई हो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड और साइबर के इसमें, और FIR दर्ज हो। अभी क्या वर्तमान में किसके नाम से आईडी चला रहा हो? सैयद आजहर के नाम से चला रहा है, उसके वीडियो फिंगर वगैरह सब मौजूद है, आपको मीडिया को भी दे दूंगा मैं। और एसपी साहब को शिकायत की संजय वामना जी को, DGM को ठिकरी के दूसरे लोगों ने भी शिकायत की थी, लिखित में है वो, उसका ईमेल वगैरह की प्राप्ति भी है, ये वहाँ पे गए थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद भी आज दिनांक 24/8/2022 तक भी चालू है वो, और उसके बाद जिन्होंने बंद करवाया वहाँ पे बोला गया, तो उसके बाद बोले जिसको जो करना हो कर लो। इनका सरगना कौन है? कोई क्या सरगना ये तो कह नहीं सकते, बाकी जहाँ के करवाते इन्होंने, इसने खुद ने बताया था संजय है कोई सागर में बैठा हुआ और कार्तिक वो हैक करते हैं, और वो दूसरे वाला कौन है वो उसका पता नहीं, बाकी वो यहाँ से दलाल के थ्रू करवाते हैं पूरी सेटिंग। दलाल कौन है? अशफाक करके क्या नाम बता रहे? अब ये ऐसा बताते को अशफाक है, सुल्तान है, पूरे काम हमारे वही सॉर्ट आउट करता है, उसके साथ फोटो वगैरह भी खींच के डालते रहते हैं स्टेटस वगैरह पे। और हाँ, इसके अभी ये इनके द्वारा बताया गया है कि वो नकली थंब और आइरिस के माध्यम से जो है अनाधिकृत रूप से ठिकरी में जो है आधार बना रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने अभी तहसीलदार साहब से भी बात करी है हमने, तो उसको अभी हम आज ही उसकी मशीन जब्त करा रहे हैं और उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी FIR वगैरह की वो कराएंगे। इस पर सर एक लोन करने का भी पूर्व मामला आया था। हाँ, एक अपने ज़िले में भी एक क्लोन का मामला हो चुका है पूर्व में। इसमें क्या रहता है कि रिमोट पे जैसे हम लोग किसी को टेक्निकल मदद के लिए अपनी जो है आधार मशीन देते हैं, तो वो किसी माध्यम से जो है उसको साइबर फ्रॉड के तहत उसको क्लोन कर लेते हैं, और क्लोन करने के बाद जो है वो हमारी जो सारे लॉगिन्स जो है वो अन्य व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, और वहां से फिर वो अपनी मशीन से जो है वहीं पर बैठ के वो आधार बनाता है। तो मेरा सबसे यही है कि इसमें निवेदन भी है और कि किसी भी अगर कोई तकनीकी समस्या आती है तो वो मेरे से आकर संपर्क कर सकता है,
या फिर जो हमारे ब्लॉक में सहायक प्रबंधक है उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन जो अननोन व्यक्ति है उसको कभी भी रिमोट पे अपनी मशीन ना दें। आधार कार्ड बनाने के लिए आईडी जिस लोकेशन पर स्वीकृत हुई है उस लोकेशन पर नहीं चलाते हुए अन्य लोकेशन पर चलाई जा रही है। इसकी शिकायत जिला ई गवर्नेंस को ठीकरी निवासी अभिषेक यादव के द्वारा की गई है। आधार कार्ड को ठीकरी लोकेशन पर अनाधिकृत रूप से सैयद अजहर के नाम से आईडी चलाई जा रही है। वहीं शिकायतकर्ता अभिषेक यादव ने बताया कि ठीकरी में गणेश धनगर के द्वारा फर्जी अंगूठा बनाकर सैयद अजहर के नाम से आईडी का संचालन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत सबु सहित जिला ई गवर्नेंस अधिकारी संजय बामनिया को की गई थी। वहीं ई गवर्नेंस अधिकारी ने ठीकरी में टीम भेजकर आधार कार्ड की मशीनें जब्त कर ली है एवं आगामी कार्रवाई की जा रही है। अभिषेक ठीकरी क्या वर्तमान में किसके नाम से आईडी चला रहा है? सैयद अजहर के नाम से चला रहा है, उसके वीडियो फिंगर वगैरह सब मौजूद है, आपको मीडिया को भी दे दूंगा मैं। और इस पे साफ शिकायत की संजय बामना जी को, डीजीएम को, ठिकरी के दूसरे लोगों ने भी शिकायत की थी, लिखित में है वो, उसका ईमेल वगैरह की प्राप्ति भी है। ये वहाँ पे गए थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके बाद। मेरा नाम संजय बामने है, मैं अभी जिला गवर्नेंस मैनेजर के पद पे हूँ। जी लोकेशन बढ़वा, हाँ इसके अभी इनके द्वारा बताया गया है कि वो नकली थंब और आईरिस के माध्यम से जो है अनाधिकृत रूप से ठिकरी में जो है आधार बना रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने अभी तहसीलदार साहब से भी बात करी है हमने, तो उसको अभी हम आज ही उसकी मशीन जब्त करा रहे हैं और उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी FIR वगैरह की वो। Sorry, it's DJ.